खबर है कि यूपी के कानपुर देहात से जहां भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के दो भू माफियाओं पर कार्रवाई भी की गई है। अवैध कब्जों पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा है। इसी क्रम में दो भू माफियाओं द्वारा बरसों से कब्जा की गई जमीनों को मुक्त कराया गया। दो भू माफियाओं ने स्कूल बनाकर बेसकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। उनके चंगुल से लगभग 5.25 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। भू माफिया पर 8,50,000 का जुर्माना भी किया गया। साथ ही संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई में SDM अकबरपुर आनंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए आगे भी भू माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासनिक कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। राजस्व टीम द्वारा ग्राम हसनापुर तहसील अकबरपुर में 8 बीघे जमीन जो भू माफिया द्वारा कब्जे में कर ली गई थी उसे खाली कराया गया। इसके पश्चात मुरीदपुर में 15 बिस्वा जमीन जो हाईवे के किनारे की है जिसकी कीमत लगभग 4.25 करोड़ रुपए है, वो जमीन जो नवीन पट्टी में थी उसको बाउंड्री बनाकर और गेट बनाकर और कमरे बनाकर कब्जा किया गया था। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अभियान चलाकर उसे खाली कराया गया। सर दोनों की लागत क्या होगी? ये इनकी दोनों की लागत 5.25 करोड़ है।